ओम श्री गणेश आय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं फॉर अपॉइंटमेंट, वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं कि आपके लिए हफ्ता कैसा रहेगा। एंड एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस, आई एम हैविंग अ सोर थ्रोट, तो इसलिए थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अपने हेडफोन्स का या जो भी है फोन का, राइट? ओके कैंसेरियंस, लेट्स फाइंड आउट। रिलेशनशिप है, क्रिटिकल सिचुएशन है, या यू कह लीजिए रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रगल है एक। यू आर लाइक फीलिंग वेरी लोनली, ठीक है? और दूसरा ये मन में एक इच्छा है, आप चाहते हैं टू बैलेंस इट आउट। शायद हो सकता है आप दोबारा कोशिश भी करें। यू आर कीपिंग लॉट ऑफ पेशेंस, यू आर कीपिंग लॉट ऑफ पेशेंस विद दिस रिलेशनशिप स्पेशली, मुझे लगता है। और दूसरा ये कि कभी कभी आपका माइंड कुछ कहता है, कभी आपका माइंड कुछ कहता है, एक अंदर से एक फाइट चल रही है, अंदर ही अंदर एक लड़ाई चल रही है अपने आप से, और मे बी एक्सपेक्टिंग अ कॉल और अ मैसेज फ्रॉम समबडी, एक्सक्यूज मी। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, ठीक है? दिस पर्सन हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। भागना इन द सेंस लाइक शायद हो सकता है कि अब वो कुछ डिसीजंस जल्दबाजी में लेना नहीं चाहते, ठीक है ना? एंड सेल्फ अवेयरनेस, बहुत कुछ चल रहा है उनके अंदर, और आई डोंट थिंक दे आर लेटिंग यू नो। और दूसरी बात, ये पर्सन थोड़ा डिफेंसिव मोड में भी है, पास्ट में अगर कुछ हुआ है तो आई थिंक दिस इज़ क्रिएटिंग फस। और मुझे ऐसा लगता है फेलो वाटर साइंस हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, साइंस कोई भी हो सकते हैं, बट येस दिस इज़ द स्टोरी आई एम गेटिंग फॉर कैंसेरियंस फ्रॉम योर पार्टनर एट योर साइड। कुछ के लिए हो सकता है कि इस सारी सिचुएशन ने इस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका रिलेशनशिप क्या है, यू नो, या क्या है, क्या था ये, क्या ये कार्मिक रिलेशनशिप था, क्या ये सोलमेट कनेक्शन था, या आपको डिवाइन ने मिलवाया तो क्यों मिलवाया, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है? वी हैव दैट व्हील घूम घूम के आपका दिमाग, और ये रिलेशनशिप भी आई थिंक इट वॉज लाइक ऑन ऑफ, ठीक है? एंड स्टिल वही चीज़ मुझे लग रहा है फॉलो अप हो रही है, अगर हो रही है तो, ठीक है? आगे की बात करें, आई थिंक देयर इज अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व, ईदर फ्रॉम योर साइड और योर पार्टनर साइड। शायद हो सकता है कोई और पर्सन है इन्वॉल्व, या यू कह लीजिए देयर इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट इन दिस कनेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फ्यूचर की बात करें, होल्डिंग ऑफ इमोशंस, कोई क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। आपको शायद ये भी नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है? बट कनेक्ट आप इनसे करना चाह रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है? और ये पर्सन क्या चाहते हैं, आई थिंक दे आर लाइक, उन्होंने ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है। कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोकती हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से, फियर है, बहुत बहुत फियर है, और दे वॉन्ट स्टेबिलिटी, ठीक है? चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो अपनी ओवरऑल लाइफ में हो, बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर कैंसेरियंस अभी के लिए। ओके, करियर वाइज अगर हम बात करें, ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा?
ओके, दिस वीक इज गोइंग टू बी क्वाइट ओके. काम के नज़रिए से भी अगर मैं देखूँ तो येस हर्मिट अगेन. अब इसका क्या मतलब है? देर आर थिंग्स जो आपको आपको लगता है कि यू आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड एट वर्क फ्रंट. आपको लगता है कि नहीं, मेहनत कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, यू नो, क्या हो क्या रहा है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर कैंसेरियंस. और ये सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हो, ये सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो. आपको लगता है कि क्या होगा, और आपको लगता है यू डिज़र्व अ लॉट, और आप इस सिचुएशन में से निकलना चाहते हो टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. और मे बी इट्स अबाउट योर कॉलिंग, और मे बी इट्स अबाउट लाइक ऊपर से कोई इशारा मिल रहा है, ठीक है, कि येस यू नीड टू डू इट, अभी रही तो कभी रही, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी भी रिस्ट्रिक्ट रख रही हैं, बाउंड रख रही हैं, लेकिन अगर करियर में आगे की बात करें, येस स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है. कुछ लोग अगर बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो आई थिंक आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. यू हैव टू गिव योर 100%, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट विजन, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ विजन कि आप क्या करना चाहिए आपको, और उस पर फिर फोकस्ड रहिए, उस पर फिर बिल्कुल टिके रहिए कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट. बस दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर कैंसेरियंस फॉर योर करियर. देखते हैं क्या गाइडेंस है from our angels. बार बार एक एनर्जी जो बहुत आती है, वेरी वेरी कंट्रोलिंग, ठीक है. यू हैव टेंडेंसी टू कंट्रोल, सब कुछ आपके कंट्रोल में हो जाए, सब कुछ आप कंट्रोल करें, ऐसा नहीं होता. कुछ चीज़ें हैं जो भगवान के हाथ में हैं, जो आप नहीं कर सकते. यू हैव टू सेट योर सोल फ्री, ठीक है, बट यू आर नॉट लेटिंग इट. जिस चीज़ के लिए, जिस मे बी सोल पर्पज़ के लिए ये सोल है, तो मे बी यू आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट बाउंड. और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा डीप विदन मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा है, फियर है, आपने अपने आप को एक जोन में बंद कर रखा है, टोटली बंद, ठीक है ना. सो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोचना पड़ेगा. फ्री ये रखना अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और दूसरा ये कि जैसे एक व्हील आगे की तरफ बढ़ता है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. You have to be friendly. You have to move forward. और वही चीज़ आपसे शायद हो नहीं रही है हर मौसम में, हर चीज़ के साथ, चाहे वो दुख है, चाहे सुख है, कुछ भी है, चाहे betrayal है. Learning from your past mistakes and moving on. ठीक है, लेकिन अगर आप उसको वही stuck कर लेंगे, ठीक है, बाउंड कर लेंगे, तो फिर गोल गोल वही चीज़ होती रहेगी. लेकिन आप उसमें से निकल जाएंगे, उस सर्कल में से, ठीक है ना, तो वो जो मिस्टेक्स है पास्ट, वो दोबारा नहीं होगी और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे. नाउ इट्स योर चॉइस कि आपको उसी गोल 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 उसी में घूमते रहना है या उसमें से आगे बढ़ना है. समझ रहे हो, ये दो अलग अलग बातें हैं. आई डोंट नो हाउ इट रेजोनेट्स टू यू, बट ये आपको सोचना है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी रीडिंग. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.